सब्सक्राइब कीजिए कीड़े को चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, करियर गोस्ट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी का जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 सितंबर 2017। आप सीधा इसका जॉब डिटेल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका जो पोस्ट नेम है वो है सोल्जर टेक्निकल का। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगा 23,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 12 पास करना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 50% मार्क्स रहना भी जरूरी है और एग्रीगेट में 40% मार्क्स रहना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप 10 पास करके इंजीनियरिंग के कोई भी स्ट्रीम में 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करी हुई है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है एज लिमिट पे। मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 17 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 23 इयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2017। इसके बाद इसका जो दूसरा पोस्ट है वो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। इसका सैलरी होगा 23,000 रुपीज पर मंथ। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। 10+2 पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और बीएससी डिग्री बॉटनी जियोलॉजी बायो साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 40% मार्क्स लेके 12 पास करना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप बॉटनी जियोलॉजी और बायोसाइंस के ऊपर बीएससी हनर्स करी हुई है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टिपुलेशन ऑफ मार्क्स लेड डाउन एट 12 लेवल विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर बीएससी डिग्री। तो दोस्तों अगर आपका 12 में 40% मार्क्स नहीं था लेकिन आप फिर भी बीएससी डिग्री कंप्लीट करी हुई है देन फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आते हैं एज लिमिट पे। मिनिमम एज लिमिट होगा 17 इयर्स एंड 6 मंथ टू मैक्सिमम एज लिमिट होगा 23 इयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2017। इसके बाद आ जाते हैं जॉब लोकेशन पे, वो होगा कर्नाटका, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट एंड लास्ट में आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस पे। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। इसके बाद आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, ठीक है। तो दोस्तों यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। आप सिर्फ इस वेबसाइट में जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी ऑफलाइन मोड इसका नहीं है, ठीक है। ये आप कर सकती है 10 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। इसके बाद इसका अप्लाई लिंक को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेम्बर। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 15 सितंबर 2017। दोस्तों मैं अपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे इसका अप्लाई लिंक को दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इसका अप्लाई वाला पेज में चले जाएंगे। साथ ही साथ मैं इस जॉब का फुल डिटेल्स भी वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसका फुल डिटेल्स चेक कर सकती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस जॉब के बारे में कोई भी इंक्वायरी है देन आप कॉमेंट पे जरूर लिखिएगा, मैं एज सुन एज आपको रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।